जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार का आज़ादी वाला यह नारा जितना मशहूर है उतना ही विवादित भी। मशहूरियत इतनी कि यह नारा सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाने और आंदोलन करने वाले का सबसे प्यारा और पसंदीदा नारा हो गया है। सत्ता की जातियों के खिलाफ इस नारे की गूंज हर शहर हर गली में सुनी जा सकती है। और विवादित इस कदर कि सरकार और सरकार के समर्थक इस नारे को लगाने वाले को देशद्रोही और गद्दार करार देते हैं। उनका तर्क है कि हिंदुस्तान तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, फिर कैसी आज़ादी। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह तर्क वाजिब भी लगता है कि आखिर आज़ाद देश में आज़ादी का नारा क्यों, आज़ाद हिंदुस्तान में कैसी आज़ादी और किसकी आज़ादी चाहिए। लेकिन अगर इस नारे को गौर से सुने तो पता चलता है कि आज़ादी का यह नारा उस ख्वाब के मुकम्मल करने की बात करता है जिसे देखा तो 1947 में ही गया था, लेकिन अभी तक वह ख्वाब मुकम्मल नहीं हो पाया है। इस नारे ने कन्हैया को जहां देशव्यापी प्रसिद्धि दी तो वहीं उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की आंखों को चूभने वाला तारा भी बना दिया। हम नहीं रुकेंगे, हम लेकर रहेंगे। सरकार और सरकार के समर्थक ही नहीं, कई मीडिया मठाधीशों ने भी कन्हैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कन्हैया और कन्हैया के साथियों को देश का दुश्मन और गद्दार कहा जाने लगा। हालांकि अपने ऊपर लगने वाले इन आरोपों से कन्हैया कुमार कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि और जोर शोर तथा मजबूती से हर मंच पर अपनी बात रखी। उन्होंने आज़ादी वाले नारे भी लगाए तो आज़ाद देश में इस नारे का मतलब क्या और क्यों है ये भी बताया। एक बार नहीं, बार बार, हर बार। जो आज़ादी हमको इस देश के महान लोगों ने अपनी शहादत देकर के हमको सौंपी है, आज उस आज़ादी पे बार बार हमला किया जा रहा है। और जब हम देश में जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आज़ादी की बात करते हैं तो मंत्री जी मीडिया में आके पूछते हैं कि देश तो 47 में आज़ाद हो गया था। ए मंत्री जी, देश 47 में आज़ाद हुआ था ना, तो आपके पुरखे उस वक्त भी अंग्रेज के साथ चाय पे चर्चा कर रहे थे, तब भी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। और आज जब हमारे ऊपर गुलामी थोपी जा रही है फिर से, तब भी आपको आज़ादी से दिक्कत है। अरे हमको देश से आज़ादी नहीं चाहिए, देश में जो हमारे देशवासियों की समस्याएं हैं उनसे हमको आज़ादी चाहिए। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं, ये किसी व्यक्ति को नेता बनाने का सवाल नहीं है, किसी इंसान को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, किसी इंसान को एमपी एमएलए प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे नौजवानों का, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, हमारी महिलाओं का, हमारे देश के तमाम लोगों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस पर हम विचार करना चाहते हैं। Thank you.
जाए तो आजाद भारत में विकास और समृद्धि महज चंद लोगों की मुट्ठी में कैद होकर रह गई। देश की बहुसंख्यक आबादी उपेक्षित और तिरस्कृत ही रही। आजादी का यह नारा आजाद हिंदुस्तान पर धब्बे की तरह दिखते इन रूढ़ियों, कट्टरताओं और समस्याओं से मुक्ति की ही बात करता है। पसंद है क्योंकि मौलाना अबुल कलाम